शिवराज सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले मोर्चा खोलने वाले कंप्यूटर बाबा विवादों में आ गए हैं। बाबा की ओर से ग्वालियर में आयोजित हुए संत समागम में रुपए बांटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें समागम के बाद वापसी के समय संतों को लिफाफा देकर विदा किया जा रहा है, जिसमें 500 से लेकर 2000 रुपए हैं। इस कार्यक्रम में जहां दिन में संतों ने शिवराज सरकार पर नर्मदा से लेकर अवैध खनन तक सभी मुद्दों को उजागर किया, वहीं देर रात होते ही ये पूरा समागम नोटों के समागम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते खुलेआम संतों को लिफाफे बांटना संदेह के घेरे में आता है, लेकिन कंप्यूटर बाबा लिफाफे बांटने की बात से इनकार कर रहे हैं। संत समाज जो है अपने मन की बात करने आया था और संत समाज अपने मन से अपने मन की बात करी है, शिवराज सरकार उखाड़ने की बात करी है, इसलिए संत समाज बेहद खुश है। आने वाले समय में पुनः 4 तारीख को खंडवा के लिए प्रस्थान हो गए हैं, सब संत समाज खंडवा में इकट्ठे हो रहे हैं। और समाज राजनीति में आप संतों के आने से इस पे आप कहेंगे? नहीं, राजनीति साधु संत जो है, राजनीति में संतों का काम है कि धर्म को जो धर्म से ना चले उसको नकारना, जो धर्म से नहीं चलता उसकी औकात को बताना। आखिर कंप्यूटर बाबू को क्या आवश्यकता पड़ गई कि संत समागम के दौरान उनको अपने आने वाले सभी संतों को रुपए बांटने पड़े? संत समाज के लोगों को बांटे जाने वाली राशि आखिर कहां से आई और क्यों बांटी गई? वहीं राज्य मंत्री का पद त्यागने के बाद शिवराज सरकार को घेरने वाले कंप्यूटर बाबा अब खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।